तो गाइस ये है iPhone 7। जैसे कि आपको पता है कि मैंने इसको जो है 6 मंथ पहले यहाँ पे कैसीफाई से बाय किया था, तो इसकी हमने ऑलरेडी वीडियो अपने चैनल पे डाल रखी है उस टाइम की। बट बात करेंगे आज के टाइम में कि 6 मंथ के बाद ये किस तरह से परफॉर्मेंस कर रहा है, साथ ही इसमें क्या क्या प्रॉब्लम हमें देखने को मिली, क्योंकि 6 मंथ के अंदर मैंने इसको एक प्राइमरी डिवाइस के साथ ही यूज किया है, सारी चीजों को मैंने इसमें यूज किया है, साथ ही गेमिंग वगैरह, वीडियो एडिटिंग और कैमरा वगैरह सारी चीजें हमने इसके अंदर यूज की है। बट आज के टाइम में देखने वाले कि 6 मंथ के बाद जो इसकी कंडीशन है वो कितनी हो चुकी है, साथ ही इसके कुछ पार्ट भी यहाँ पे चेंज हुए हैं, तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप भी कैसीफाई से मोबाइल लेते तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो गाइस सबसे पहले इसके फिजिकल कंडीशन की बात करें तो पीछे की तरफ आप देख सकते हैं मैंने इसको 6 मंथ जो है विदाउट कवर यूज किया है, यहाँ पे मैंने कोई भी कवर जो है कैरी नहीं किया और साथ ही इसको काफी ज्यादा यूज किया है, तो पीछे के बैक पैनल में आपको काफी सारे स्क्रैच और डेंट वगैरह देखने को मिल जाएंगे। जो इसकी पूरी बॉडी है वो यहाँ पे ओरिजिनल बॉडी है, बट उसके बाद भी यहाँ पे आपको डेंट वगैरह देखने को मिलेंगे। साइड के पैनल की बात कर तो यहाँ पे आपको कॉर्नर की तरफ जो है जो इसका ब्लैक कलर है वो यहाँ पे रिमूव हो चुका है, जो कि डेंट वगैरह यहाँ पे बिल्कुल सही तरीके से आ गए, क्योंकि जो ब्लैक कलर में जो है काफी जल्दी जो है आईफोन का जो है कलर रिमूव हो जाता है। साइड में आप देख सकते हैं काफी सारे स्क्रैच देखने को मिलेंगे। पीछे की तरफ आप देख सकते हैं जो स्पीकर ग्रिल है वो बिल्कुल यहाँ पे खराब हो चुकी है, काफी सारा डस्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे बैक कैमरे की आप हालत देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ पे बेकार हो गई है, काफी ज्यादा स्क्रैच आपको जो है बैक कैमरे के जो ग्लास पे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। बट बात करें परफॉर्मेंस की तो परफॉर्मेंस आज के टाइम में भी काफी अच्छा आपको देखने को मिलता है, साथ ही फ्रंट में भी आपको काफी सारे स्क्रैच हैं, बट यहाँ पे परफॉर्मेंस आपको काफी अच्छी क्लियरिटी के साथ देखने को मिलता है, तो कैमरा क्वालिटी आपको काफी बढ़िया यहाँ पे देखने को मिलती है। ऊपर की तरफ आपको डिस्प्ले में भी काफी ज्यादा स्क्रैच और यहाँ पे थोड़े बहुत डेंट वगैरह आपको देखने को मिलते हैं, बट डिस्प्ले की क्वालिटी आज के टाइम में भी आपको काफी अच्छा परफॉर्मेंस देती है। तो गाइस फिजिकल कंडीशन के मामले में iPhone 7 यहाँ पे 6 मंथ यूज करने के बाद यहाँ पे जो है काफी ज्यादा बेकार हो चुका है, सारी चीजें यहाँ पे आपको स्क्रैच देखने को मिलती हैं, डेंट वगैरह देखने को मिलते हैं, बट इसका परफॉर्मेंस जो है आज के टाइम में भी आपको एक अच्छा फील देता है और काफी अच्छा परफॉर्मेंस है। तो गाइस बात करें इसके पार्ट चेंज की कि हमने इसमें क्या क्या पार्ट चेंज करवाने पड़े, तो जैसे ही हमने लिया था तो 3 मंथ के बाद यहाँ पे जो है बैटरी हमको चेंज करवानी पड़ी, बिकॉज जब भी हम कोई भी पुराना मॉडल लेते हैं तो यहाँ पे आपको लोकल बैटरी देखने को मिलती है, तो वो यहाँ पे काफी कम बैकअप देने लगती है कुछ दिन बाद, तो यहाँ पे हमने जो है इसको दोबारा से लोकल बैटरी डलवानी पड़ी, तो यहाँ पे सबसे पहले ये प्रॉब्लम देखने को मिली। और सेकंड पार्ट की बात करें तो वो है इसका चार्जिंग जैक, जो कि वर्क नहीं कर रहा था। 3 से 4 मंथ मैंने इसको जैसे ही यूज किया तो चार्जिंग में काफी ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिली, तो उसके बाद हमने जो इसका चार्जिंग जैक भी यहाँ पे चेंज करवाया, तो ये 2 पार्ट हमने इसके बाद जो चेंज करवाए, काफी प्रॉब्लम हुई हमने उसके बाद ही इनको चेंज करवाया। उसके बाद यहाँ पे जो इसके स्पीकर है तो यहाँ पे आपको स्पीकर में वॉल्यूम जो है आपको बिल्कुल कम देखने को मिलती है, क्योंकि जो इसके स्पीकर है उसमें यहाँ पे डस्ट वगैरह जो है काफी ज्यादा भरा हुआ है, तो यहाँ पे आपको थोड़ी आवाज कम देखने को मिलती है। फिलहाल इसके करंट परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है अभी के टाइम भी चलने में, बस यहाँ पे आपको थोड़ा डेंट और बॉडी में स्क्रैच वगैरह यहाँ पे देखने को मिलेगा, बट इसके परफॉर्मेंस की बात करें तो आज के टाइम में भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिलता है। इसकी कैमरा क्वालिटी साथ ही इसकी डिस्प्ले भी काफी बढ़िया है, तो यहाँ पे काफी अच्छा परफॉर्मेंस आज के टाइम में भी देखने को मिलता है। तो गाइस अगर आज के टाइम में भी आप iPhone 7 को बाय करना चाहते तो ले सकते हैं, काफी अच्छा परफॉर्मेंस है, क्योंकि एक कम बजट में आपको एक आईफोन की फील दिलाने वाला यही मोबाइल है, काफी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। तो गाइस अगर आपको फिर भी डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो नीचे मैं इंस्टाग्राम की जो है आईडी मेंशन कर रहा हूँ, वहां जाके मुझे डीएम कर सकते हैं, कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। तो गाइस इस वीडियो में छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर करी है, तो साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं होता है चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।